हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है? करेक्ट। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, ठीक है? तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स हो जाएंगे H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, ठीक है? अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट वो फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिसपे एक सॉलिड अपने लिक्विड फेज में आ जाता है अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होंगे, लिक्विड में कम होंगे। सो वी हैव टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है? अच्छा, तो जिसमें सॉलिड स्टेट, जिसकी भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है? तो अगर हम देखें डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी कि H2TE बॉन्ड के अंदर जो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा ना, एंगुलर होगा, यहाँ पर डाइपोल नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी, ठीक है? टेल्यूरियम के, जिसकी वजह से ये बॉन्ड में पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं आएगी। तो इसका जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है वो इन दोनों के बीच में, ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल जो होगा इनके बीच में क्या होगा? वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन होंगे, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन होंगे, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज नॉट वेरी हाई, या ये कहेंगे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप जाते जाते, क्लियर? तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि H2TE को मेल्ट करने के लिए हमें लेसर टेम्परेचर चाहिए होगा, ठीक है? H2TE को मेल्ट करने के लिए वी नीड लेसर टेम्परेचर, क्लियर? लेकिन किसके कंपैरिजन में? H2O के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें पता है कि H2O के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर डाइपोल का क्रिएशन होता है, ठीक है? और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये इसको इस तरीके से अट्रैक्ट करके रखता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? एंड दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन योर वैन डर वाल फोर्सेस, राइट? सो इस वजह से H2O के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा हाइएस्ट होता है, सबसे ज्यादा हाइएस्ट होता है। अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लिखूं तो ये अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? व्हाट अबाउट अदर्स? तो अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर भी डिपेंड करता है, एंड और किस पर डिपेंड करता है? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम के ओवरऑल मॉलिक्यूल के जो चार्जेस उन पर डिपेंड करता है, एंड मास पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे तीनों फैक्टर्स को देखते हुए जो सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो H2S का होगा। H2S का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि देखिए H2S में सल्फर का एटॉमिक मास क्या है? सबसे कम, मतलब ये तो H2O वाला तो एक एक्सेप्शन है कि इसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज एन एक्सेप्शन। तो H2S, H2SE एंड H2TE, यहाँ पर एक कॉमन चीज आप देखोगे कि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एलिमेंट्स की कंसिडरेबल हम नहीं मानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, राइट? सल्फर का साइज क्या है? छोटा है। सल्फर का मास क्या है? छोटा है। तो जिसकी वजह से, मास छोटा होने की वजह से H2S का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा मॉलिक्यूल का, H2S का जो साइज होगा वो मॉलिक्यूल का वो छोटा होगा। सल्फर का भी मास कम है तो जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन H2S के अंदर सबसे कम होंगे, राइट? उसके बाद आपके किस में होंगे? H2SE, सेम एक्सप्लेनेशन H2SE के लिए कि सेसी का जो मास है सल्फर से थोड़ा सा ज्यादा है, और H2SE का जो साइज होगा सल्फर H2S से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देन सेम H2TE का, क्योंकि टेल्यूरियम का मास ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा आपका H2O का। ये ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। सो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।